हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑटो वेकेंस के नए एपिसोड में। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले टाटा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार जो कि रहने वाली है उनकी पैसेंजर सेगमेंट की दूसरी कार जिसका नाम रहने वाला है टाटा टिगर, जो कि रहने वाली है जिप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड। जिप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म के 5 मेजर पिलर्स रहने वाले हैं जो कि रहने वाले हैं आपके परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी, चार्जिंग और कम्फर्ट। उसमें से पहले चीज़ की बात की जाए जो कि रहने वाला है अपना परफॉर्मेंस। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको फ्लैट टॉक मिलता है कम्पेयर टू आईसी इंजन। राइट फ्रॉम स्टार्ट आपको काफ़ी अच्छा और बेहतरीन टॉक इसमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो लो स्पीड और जो ट्रैफिक में जो फ्लैट टॉर्क की ज़रूरत रहती है वो आपको आराम से मिल जाता है। फ्लैट टॉर्क की वजह से आप इस ईवी को हर तरह के रोड पर चला सकते हो। इसका नेक्स्ट पिलर जो रहने वाला है जो कि रहने वाले अपना टेक्नोलॉजी, इसमें आपको एक हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि आपको काफ़ी अच्छी रेंज दे देगी। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस एसी मोटर मिलती है जो कि काफ़ी अच्छे टॉर्क को डिलीवर करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट पार्ट जो रहने वाला है आपका लिक्विड कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैक्सिमम रेंज एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपकी मदद करती है। नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है इसका रिलायबिलिटी। अब तक की टाटा की जो इलेक्ट्रिक कार्स उनकी टेस्ट हुई है, उन्होंने अब तक 35 मिलियन किलोमीटर्स तक इसको टेस्ट किया है। और जो आने वाली टिगर इलेक्ट्रिक है उसमें आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की मोटर वारंटी मिलने वाली है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रहने वाले है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक परचेस करने में आपका भरोसा भी बढ़ जाएगा और 8 साल तो एक यूजेस के लिए और इसका किलोमीटर रेंज के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पिलर रहने वाला है चार्जिंग। बात कीजिए इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड CCSI2 के फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग के 15 एम्पियर के चार्जिंग सॉकेट को आराम से सपोर्ट करता है, जिससे आप फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग आराम से कर सकते हो। चार्जिंग से अंडर 60 मिनट्स आप इसे चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट पिलर जो रहने वाला है इसका कंफर्ट। कंफर्ट की बात की जाए तो इसका कैबिन साइलेंट और नॉइजलेस रहने वाला है, जो कि कार के रिफाइनमेंट को और बढ़ा देता है, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा और बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको देखने को इस कार में मिलने वाला है। नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए टिगोर के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको 55 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी और इसमें आपको 170 न्यूटन मीटर का फ्लैट टॉर्क मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट है इसमें आपको 0 to 60 सेकेंड्स अंडर अराउंड 5 सेकेंड के रेंज में मिल जाएगी, जिसके वजह से काफ़ी अच्छे और बेहतरीन आपको जेपी परफॉर्मेंस मिलने वाली है और जिसके वजह से आप आराम से इसे चल सकते हो। दोस्तों, बात की जाए टिगर के टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसमें आपको 26 किलोवाट की आर की बैटरी मिली, लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो कि इस सेगमेंट काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रेंज देगी। इसमें आपको टेलर मेड इंडिया में टेस्ट करके स्पेसिफिकली इस कार को डिज़ाइन करते हुए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को रीट्यून किया गया है। और साथ ही में इसमें आपको बेस्ट पार्ट है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कि आप इस कार से कनेक्टेड रह सकते हो और इस कार को ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों, बात कीजिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के एनर्जी एफिशिएंस के बारे में टिगोर के, तो इसके जो सॉफ्टवेयर से काफ़ी यूनिकली ट्यून किए है का बेहतरीन बैटरी पैक्स को मैनेज करने के लिए। और साथ ही में इसमें आपको 10% लो रेजिस्टेंस के टायर दिए गए हैं, जो कि अच्छे और बेहतरीन राइड देते हैं। और काफ़ी इसकी जो एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम है, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड टेस्ट करके उसको रीट्यून करके एक्चुअल कंडीशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी यूनिक तरह से बनाया गया है। रिलायबिलिटी के बारे में जैसे कि अब देखा जाए तो इसमें जो बैटरी पैक है जो आपका IP67 रेटर बैटरी पैक रहने वाला है, और उसमें आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलने वाली है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो, क्योंकि आप जैसे कि जानते हो ये प्लेटफॉर्म टिगोर पे बेस्ड है जो कि 5 स्टार रेटेड बॉडी है, इन टर्म्स ऑफ ये रियर इम्पैक्ट टेस्ट सभी पास हुआ गया है और काफ़ी अच्छे और बेहतरीन इसमें सेफ्टी मिलती है। इसमें दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड CCSI चार्जिंग सपोर्ट को सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से आप स्लो चार्जिंग इसमें आपको 8.5 घंटे लगेंगे 0 to 80%, और फास्ट चार्जिंग के लिए 0 to 80% 1 घंटे में हो जाएगा। कंफर्ट की बात की जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा और आपको बेहतरीन इंटीरियर मिलेगा। आपको जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छी तरह से ट्यून किए गए हैं, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और आपके इलेक्ट्रिक मोटर को भी अच्छा और बेहतरीन बना देते हैं, और इसके राइड एंड हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी बना देते हैं। दोस्तों, इसमें आपको लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिल जाएगी, जिसके वजह से काफ़ी अच्छी और बेहतरीन राइड आपको मिलने वाली है। बात की जाए टिगोर के प्रोडक्ट के में जो मेन पिलर्स है जो कि रहने वाले आपके टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और सेफ्टी। बात की जाए इसकी
टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि जिप्टॉन बेस्ड रहने वाली है। इसमें आपको हाई वोल्टेज ईवी आर्किटेक्चर मिल जाएगा, जिसमें आपको हाई डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जो कि आपको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन ऑप्टिमाइज रेंज देगी और आपको ड्राइव को भी काफ़ी अच्छा और क्लटर फ्री बनाएगी। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए जो नेक्स्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि CCS2 अप्रूव आपको इसमें चार्जिंग आउटलेट मिलेगा और टाटा मोटर्स आपको स्टैंडर्ड 15 एम्पियर का चार्जर आपके घर पे इंस्टॉल करके देने वाली है। साथ ही में इसमें नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए तो आपका जो स्मार्ट रीजनरेशन सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से ट्यून किया गया है, और एक फीचर इसमें आता है जो कि इलेक्ट्रिक कार है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। बेस्ट पार्ट इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं और इसमें स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है, जिसमें आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को स्पोर्ट्स कार की तरह चला सकते हो। बेस्ट पार्ट इसका रहने वाला है इसमें आपको हारमन का काफ़ी अच्छा और बेहतरीन 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का म्यूज़िक सिस्टम मिलने वाला है। और एक नेक्स्ट पार्ट है जो टाटा का न्यूली लॉन्च आयरा कनेक्टेड ऐप जो रहने वाला है वो इसमें आपको मिलेगा, जिसमें आप आपकी कार से कनेक्ट कर सकते हो, कार को कूल कर सकते हो, लॉक अनलॉक और बाकी सारे फीचर्स के बारे में आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बात की जाए कम्फर्ट के बारे में, क्योंकि टिगोर एक काफ़ी अच्छी और बेहतरीन और स्पेशियस कार है, जिस एक काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कैबिन एक्सपीरियंस आपको देगी। आपको स्पेशियस और यूजेबल स्पेसेस मिल जाएंगे और आपको ओवरऑल इन कैबिन एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट है टिगोर ईवी का, जिसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलने वाला है और जो इसमें आपको जो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिरर्स भी मिलने वाले हैं। बेस्ट पार्ट है इसमें भी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाएगा, जो कि अच्छा और कन्वीनियंट फीचर है। और एक बेस्ट पार्ट है इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट और आपको पोर्टेबल चार्जिंग केबल भी मिल जाएगी, जो कि आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। कंफर्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाएगा, जो कि टिगोर की 419 लीटर्स है। उसमें आपको टायर पंचर किट भी मिलता है, जिससे आपके आप टायर के पंचर को रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो रहने वाला है सेफ्टी का, जिसमें रहने वाली आपकी IP67 रेटेड बैटरी और इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स भी मिलने वाले हैं। साथ ही में इसमें आपको ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे, और बेस्ट पार्ट है इसमें आपको हिल डिसेंट और एक्सेंट कंट्रोल भी मिल जाएगा। दोस्तों बात कीजिए वेरिएंट के बारे में, इसका पहला वेरिएंट रहने वाला है XM, जिसमें आपको व्हील कवर्स मिलेंगे, आपको डोक्रोम इंसर्ट्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल विदाउट DRLs मिल जाएगी। एक काफ़ी अच्छा और एक बेहतरीन एक यूजेबल फीचर पैक वेरिएंट रहने वाला है, जो कि उसके ऊपर जो XZ प्लस वेरिएंट आता है उसमें आपको स्टाइलाइज स्टील व्हील्स मिलेंगे, आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलेंगे, फॉग लैंप्स और DRLs मिल जाएंगी। जो इसका टॉप एंड वेरिएंट जो रहने वाला है, जो कि रहने वाला है आपका XZ प्लस ड्यूल टोन, जिसमें आपको जो ब्लू कलर के साथ आपको जो ब्लैक कलर रूफ का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों कोई किसी भी वेरिएंट का टाटा ने अभी तक प्राइसिंग और रेंज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जो कि आपको मिल जाएंगी 31 अगस्त को, तब तक इसे आप प्री बुक कर सकते। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।